What is up guys, welcome back to my new vlog. तो कैसे आप सब लोग, आज का vlog हम लोग कार में स्टार्ट कर रहे हैं। सोचो कितने विश्वसनीय लोग हैं हम लोग। तो गाइज आज का vlog हम लोग कार में स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सुबह का vlog मैं अपना डाल के सीधा पापा के साथ आ गया था कार में घूमने। और आज पता यार हमारे साथ एक स्कैम हो गया। हम लोग आए थे हवा भरवाने और हमने सोचा कि यार कितना PSI उसमें होना चाहिए टायर में। तो गाइज हमने सोचा गूगल में सर्च मार लिया जाए। तो फिर मैंने देखा एक जन का रिव्यू, तो उसमें हमको पता चल गया कि कितना होना चाहिए। तो गाइस अगर आपको भी प्रॉब्लम होता है ऐसे में, तो हम भी आपको, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करें और इसका सही मात्रा क्या होता है PSI डालने का टायर्स में, ये भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि है जो कार होता है, कार में ही आपको इनबिल्ड ऐसा बोर्ड दिया जाता है, ऐसा साइन दिया जाता है जिसमें लिखा रहता है कि कितना प्रेशर रहना चाहिए टायर में। तो वो वाला बोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। वो वाला जो बोर्ड है वो ड्राइविंग सीट के गेट जब आप ओपन करोगे तभी, ड्राइविंग सीट के बाजू में ये जो गेट को आप ओपन करोगे तब यहाँ पे आपको साइन दिखेगा उस तरफ, पापा की सीट की तरफ। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ वो। अरे यार पता है हम लोग बस ये ब्रिज पे चढ़े थे और सामने शायद एक्सीडेंट हो गया, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा जाम लग गया है गाइस। अब निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। किसका हुआ है? पुलिस भी आई है क्या? अरे यार पुलिस भी आई है, पुलिस भी आ गई है। देखो किसी को लगा चोट, साइकिल में बैठा चोट लग गया है किसी को, ज्यादा चोट लगा है। देखो अब इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा। ये रही गाड़ी जा रही है, इन्हीं को लगा है चोट, कोई बैठे। अरे नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये गाड़ी नहीं, ये इस पे लगा है, इस पे ले जाया जा रहे हैं। वो लगा है, वो खड़ा है साइकिल वाला, साइकिल को लगा है, साइकिल को नहीं लगा है, साइकिल में जो है व्यक्ति, साइकिल वालों को लगा है। कैसे लगा? बाप रे, पूरा खून ही खून बह रहा है उसके साइड से। साइकिल वाले कैसे ठोका गए यार? कोई ना गाइस, इसलिए बोलते हैं कि सावधानी से चलाना चाहिए गाड़ी, और इस जगह ऐसे ब्रिज में तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी से, और साइकिल वाले को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मेरे को भी, मैं तो अच्छे से ही चलाता हूँ, है ना पापा? है ना, होशियारी मारता है ना तो रोड में निकल। इतना अच्छे से चलाता हूँ मैं गाड़ी, आपने देखा है ना गाइस। अच्छे से चलाता है मगर लोग यहाँ पर हेलमेट चलाते हैं गाड़ी, मैं लोगों से बहुत दूर हटके चलाता हूँ। तो फिलहाल अभी पापा और मैं आ गए थे, और जब मैं स्कूल से तरफ से आ रहा था तब जो है ना मेरे को स्कूल के पास, अभी जो है ना मेरा क्लास लगने वाला था स्कूल में तब ना, लेकिन मैं नहीं जा रहा आज क्योंकि यार मेरे को जो असाइनमेंट सबमिट करना था वो मैं कर कर के आ गया, और ज़्यादा अभी कोरोना भी बढ़ा है इसलिए मैं नहीं जा रहा। लेकिन वहाँ पे मेरे को मेरा दोस्त दिख गया जो मेरे साथ ही बैठता है और ये मेरे क्लास ही में पढ़ता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अपने घर ले आऊँ। ये जो आया है वो ये ना वहाँ गाड़ी से आया है अपने, और इसको मैं ले आया। अब जो है ना यार क्या बताऊँ मैं आपको, हमने क्या प्लान किया है कि आज ये स्कूल नहीं जाएगा, ये स्कूल नहीं जाएगा, ये पूरे दिन मेरे साथ रहेगा और मेरे घर में। अब बताओ, और अभी जो है हम लोग उर्ला आए हैं पटरी पार करके अपने दूसरे दोस्त के घर के पास जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है आकाश, और हम तीनों साथ ही में बैठते हैं, वो भी है, तो हम लोग साथ ही में पढ़ते हैं और लिखते हैं, मज़ा आता है बहुत ही, और खेलते भी साथ ही में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं पर आकाश के घर। वो आ रहे हैं क्या यार? नहीं नहीं आकाश नहीं, वो उधर ही है, उसका जस्ट उर्ला पार करने के बाद आपको मतलब मेरे को मेरे दोस्त का घर पड़ जाते हैं। यार तू तो मस्त आज रुक जाएगा यार, कैसा लगेगा तेको? बढ़िया मस्त, ये तो स्कूल ड्रेस में आया है। बट हम लोग को अब क्या है ना, अब इसकी गाड़ी जो है वो स्कूल के पास खड़ी है तो उसको लेके आना पड़ेगा, फिर हम लोग दिखाते हैं मस्त घूमेंगे। अभी मैं आपको मिलाता हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड से, शायद आप उससे कभी नहीं मिले होंगे पर अभी मैं आज आपको उससे मिला दूँ। अब बस मेरे दोस्त का घर पड़ने वाला है यहाँ से, ये देखो हीरो, हीरो हमारा। क्यों डालूंगा मैं ब्लॉग में, कोई दिक्कत नहीं है, तू आया नहीं है क्या वाले ब्लॉग में? क्या नाम था उसका, क्या नाम था भाई अपना, हाई स्कूल वाले? सुबह की मस्ती के बाद मैं अभी आया हूँ ये सुपेला, और सुपेला पापा के साथ आया हूँ।
सुपेला इसलिए आया हूँ क्योंकि जो मेरा फोन जो है ना उसमें अभी तक अपडेट नहीं मिला मुझे, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे सर्विस सेंटर है सुपेला में इसी का, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और फोन को थोड़ा अपडेट करवाना है मेरे को, और वो करवाएंगे और कुछ लेना भी था हमें वो हम लोग आपको दिखाएंगे, पहले इसको अपडेट करवाना जरूरी है। ये आ गया सर्विस सेंटर हमारा, फोन को पहले मैं सर्विस कराता हूँ उससे बाद आपसे मिलता हूँ। तो हम लोग गए थे लेकिन ना क्या है अभी इसका बैकअप, हमने फाइल बैकअप नहीं लिया है तो फाइल बैकअप लेना पड़ेगा, पहले जो इसका डाटा है वो ट्रांसफ़र करूँगा किसी और में, उसके बाद इसको करवाऊँगा। तो अभी हम लोग जिस शॉप में जा रहे हैं वहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। अभी हम लोग हिमालय कॉम्प्लेक्स में आए हैं आकाश गंगा, और यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे हैं वो चीज़ जो हमें चाहिए, काश मिल जाए, और मिलेगी तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा और आपको भी दिखा देंगे वो हम क्या है। अनबॉक्सिंग तो उसका घर में करेंगे, अभी नहीं दिखाएंगे। तो गाइस हमारे साथ बहुत ही बड़ा स्कैम हो गया इस वीडियो में यार, हम लोग जो सोच के सुपेला गए थे वो काम हो ही नहीं पाया। पहली बात तो हम लोग पहले गए थे सर्विस सेंटर, अब सर्विस सेंटर से हम लोग बाहर क्यों आ गए बिना सर्विस कराए, इसका मेन रीज़न मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो में हम लोग फिर उसके बाद गए थे सुपेला मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट कुछ लेने, पर यार वो भी हमको नहीं मिल पाया। अब मैं क्या बताऊँ आपको, कुछ टाइम पहले आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा आपने, हम गए थे शॉपिंग करने, याद है आपको, तो हम सुपेला ही गए थे। सुपेला में हमें बहुत अच्छी चीज़ पसंद आई थी, पर जो हम अभी गए तब यार वो चीज़ जो है ना बिक गई। अब बताओ स्कैम हमारे साथ, स्कैम हम लोग उस टाइम नहीं दिए लेकिन जब आज हम वो चीज़ लेने गए पर वो बिक गई, सत्यानाश। हमें जब गए थे तभी हमें ले लेना चाहिए था, लेकिन अब यार अब हम लोग गए तो हमें मिल नहीं पाया। तो कोई बात नहीं गाइस, अब मैं वो चीज़ भी बता देता हूँ आपको क्या था वो चीज़। यार वो चीज़ था रिंग लाइट, रिंग लाइट था यार वो चीज़, HQ का 18 इंच का रिंग लाइट था वो, बहुत ही बढ़िया 18 इंच का सोचो, और रिमोट कंट्रोल, फुली रिमोट कंट्रोल। मैंने उसका वीडियो भी नहीं बनाया, अगर आपको देखना है तो आप कहीं भी सर्च मारोगे तो आपको मिल भी जाएगा देखने। तो वही यार मेरे को चाहिए था, मैं उसको अमेजोन में ढूंढ रहा हूँ, फ्लिपकार्ट में ढूंढ रहा हूँ, मेरे को HQ कंपनी का कहीं नहीं मिल रहा। आपको डिजिटेक दिख जाएगा, दूसरा दिख जाएगा, इन सालों वही वाला जो मेन हमें चाहिए था, जो मुझे बहुत दिल से पसंद आया था, पर वो मेरे को मिली नहीं। पर यार कोई बात नहीं, चलता है इतना, इस वीडियो में तो हमारे साथ स्कैम हो गया, आप क्या कर सकते हैं, बिक गया वो, किसी ने ले लिया होगा तो कोई बात नहीं, वो भी यूज़ करने के लिए लिया होगा अपने। तो इस वीडियो को फिर यहीं पे एंड कर देते हैं, थैंक्स वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दिल से, और दिल से शुक्रिया, और वीडियो देख लियो तो पूरा वीडियो को लाइक भी कर दो, और चैनल पे नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी मत भूलिए, और लाइक करने के बाद जो सब्सक्राइब का बटन है नीचे रेड कलर का, इसे इसे देखो यहाँ पे आ रहा है ना, दबा दो इसको, दबा दो, यहाँ पे नहीं दबाना है आपको, नीचे जाके दबाना है, डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो प्लीज़ रेड कलर का बटन दबा दो सब्सक्राइब का, बेल आइकन दबाने का और नोटिफिकेशन आएगा। तो कोई ना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड टाटा बाय बाय, सी यू।